जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान के नामों में छोटा बड़ा कोई नहीं है। जिसको जिस नाम में रुचि हो, जो प्रिय लगे, वह उसी का जप कीर्तन करे, परंतु दूसरे किसी को भी छोटा न समझे, न किसी की निंदा करे। जैसे एक ही भगवान के अनेक स्वरूप होते हैं, वैसे ही अनेक नाम भी हैं। भगवान दो नहीं हैं। जो भगवान के जिस नाम रूप का उपासक हो, वह उसी नाम रूप की उपासना करे, पर यह समझे कि दूसरे जितने नाम रूप हैं, सब मेरे ही भगवान के हैं। जो दूसरे नाम रूपों को किसी दूसरे भगवान के मानकर उनकी निंदा करता है, वह अपने ही भगवान को सीमित और अल्प बनाता है। श्री कृष्ण का उपासक यह माने कि श्री राम, श्री विष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा, सूर्य, मुसलमानों के अल्लाह खुदा, ईसाइयों के परम पिता, सब मेरे श्री कृष्ण के स्वरूप हैं और उन्हीं के नाम हैं। इसी प्रकार दूसरे नाम रूपों के उपासक भी माने। ऐसा मानने पर न तो अनन्यता में बाधा आती है, न संप्रदाय के नाम पर राग द्वेष बढ़ता है, और न भगवान के नाम पर भगवान की अवज्ञा ही होती है। अतएव हम लोगों को चाहिए कि हम अपने इष्ट का नाम जप करें और दूसरों के इष्ट को भी अपने ही इष्ट का स्वरूप समझें, क्योंकि भगवान एक ही हैं। आपने लिखा था कि भजन तो करता हूँ, पर माला न रखने पर तो बहुत भूल हो जाती है और माला रखने पर संकोच होता है। कुछ मित्र लोग मजाक करते हैं और कुछ लोग भक्त समझकर सम्मान करने लगते हैं। अतएव क्या करूं? इसके उत्तर में निवेदन है कि यदि माला रखे बिना भूल होती है तो संकोच छोड़कर अवश्य माला रखनी चाहिए। इसमें लज्जा शर्म की क्या बात है? मित्र लोग मजाक करते हैं तो करने दीजिए। मजाक करने में उनको सुख मिलता है तो आनंद की ही बात है। आपकी किसी क्रिया से मित्रों का मनोरंजन हो, उन्हें सुख मिले, यह तो आपके लिए सुख की बात है। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि संकोच तो आपका अपना मन ही करता हो और अपना दोष छिपाने के लिए मित्रों के मजाक की बात गौण होने पर भी मन ने उसको प्रधानता दे दी हो? ऐसा हो तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और मन को समझा देना चाहिए कि इसमें लज्जा की बात तनिक भी नहीं है। लज्जा आनी चाहिए झूठ बोलने में, गंदी जुबान निकालने में, निंदा चुगली या व्यर्थ की बातें करने में, किसी का अहित करने में, क्रोध और लोभवश होने में, पर स्त्री के प्रति बुरी नज़र से देखने या मन में बुरा भाव लाने में, दूसरे की वस्तु को, किसी के स्वत्व को हरण करने में, चोरी ठगी और छल कपट करने में, तथा दूसरे दूसरे बुरे काम तन मन वचन से करने में। मनुष्य का बड़ा दुर्भाग्य है कि वह इन सब कामों को करने में तो तनिक भी नहीं लजाता, बल्कि कोई कोई तो ऐसे कार्यों में गौरव तक मानते हैं और गर्व करते हैं, पर भगवान का नाम लेने या भजन करने में उन्हें लज्जा आती है। यही एक ऐसा श्रेष्ठ कर्म है जिसको लज्जा छोड़कर श्रेष्ठ माना गया है। लज्जा शर्म को तिलांजलि देकर भजन करने वाला प्रेमी स्वयं ही पवित्र नहीं होता, वह समस्त विश्व को पवित्र करता है। रही सम्मान और बड़ाई से डरने की बात, सो यह बहुत अच्छी बात है। मनुष्य को मान बड़ाई से अवश्य ही डरना चाहिए। यह मीठा विष है जो प्राप्त करने के समय मीठे लगने पर भी वास्तव में सतत विषमयी मृत्यु के चक्र में डालने वाला है। परंतु इसके भय से भगवान नाम की याद दिलाने वाली माला का त्याग कर देना बुद्धिमानी नहीं है। भगवान के सामने आप सदा ही विनम्र और विनयशील होकर रहिए।
फिर जगत का सम्मान आपका क्या बिगाड़ेगा। और भगवान का नाम लेने वाले को तो सदा विनम्र रहना ही चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने को तिनके से भी अधिक नीचा समझते हैं, जो वृक्ष के समान सहनशील काटने तोड़ने और जलाने वाले का भी उपकार ही करता है, ऐसा हैं स्वयं अमानी हैं, सबको मान देते हैं, उन्हीं के द्वारा श्री हरि सदा कीर्तनीय हैं। जय श्री राधे।